नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम राजस्थान CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ सॉल्व करवाते हैं। वो MCQ जो CHO एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और राजस्थान CHO में आने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसे CHO के MCQ हम सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस के द्वारा आपको MCQ सॉल्व करवाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और पहला MCQ है द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रोलोंग लाइफ आर। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंटल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन इम्प्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हम कम्युनिटी एफर्ट्स जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं वो है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, इम्प्रूव एनवायरमेंटल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, और पर्सनल हाइजीन इम्प्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन। हम तीनों इन मेजर से कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदा एंड सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1400 बिफोर क्राइस्ट, 1300 बिफोर क्राइस्ट, 1000 बिफोर क्राइस्ट, 1100 बिफोर क्राइस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 1400 बिफोर क्राइस्ट। 1400 बिफोर क्राइस्ट में हमें आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम हमारे मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नाउन एज यूनानी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। यूनानी सिस्टम जो कि ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, मुस्लिम के द्वारा, क्रिश्चियन के द्वारा, पारसी के द्वारा, या सिख के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है मुस्लिम के द्वारा यूनानी सिस्टम इन्वेंट किया गया था, क्योंकि ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोरे कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। बोरे कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड कौन से साल में हुई, कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स कौन से साल में वो उसका निर्माण हुआ या बनी। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन सी 1941। ऑप्शन ए 1943 इसका करेक्ट आंसर है। 1943 में बोरे कमेटी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन CHEB स्टैंड फॉर। CHEB की फुल फॉर्म क्या है। CHEB ऑप्शन ए सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, ऑप्शन बी सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, ऑप्शन सी सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो, ऑप्शन डी सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज। सब्जेक्टिव सेंस मीन्स सिम्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और होते हैं एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स जो पेशेंट खुद ही बता पाए, या पेशेंट के बताने पर हमें पता चले, उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्टिव जो हमें साफ दिखाई देते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज हम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इलनेस, ऑप्शन बी सिकनेस, ऑप्शन सी डिजीज, ऑप्शन डी मोर्टेलिटी। तो हम उसको इलनेस कहते हैं। इलनेस एक सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल है। नेक्स्ट हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर। हेल्थ के कितने डायमेंशन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। हेल्थ के 8 डायमेंशन है, इसका करेक्ट आंसर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज। ऑप्शन है फाइनेंशियल हेल्थ, बी सोशल हेल्थ, सी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, डी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल हेल्थ। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट टू हिज इन्वॉल्वमेंट विद
कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट हम कौन सी हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो हम सोशल हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज की कौन सी थ्योरी है, तो ऑप्शन है कॉन्टाजियन थ्योरी, ऑप्शन बी हेल्थ ट्रायड, ऑप्शन सी पावलोव थ्योरी, ऑप्शन डी मास्लो हायरार्की। इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टाजियन थ्योरी। कॉन्टाजियन थ्योरी एक थ्योरी ऑफ कंसेप्ट कॉजेशन ऑफ डिजीज की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली कोच पोस्टुल्स एक्सप्लेन, हेनली कोच पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन क्या क्या उन्होंने, कॉन्टाजियन थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जेम थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स थ्योरी को एक्सप्लेन किया, या हेल्थ डिटर्मिनेंट थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो हेनली कोच ने जम्स थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जम्स थ्योरी को हेनली कोच ने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिटेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन है ये। ऐसा एक्शन जो डिजीज को हाल्ट या उसके प्रोग्रेस को रोकता है एट इट्स इंसिपिडेंट स्टेज, शुरुआती स्टेज पर, एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है, तो कौन सी स्टेज का प्रिवेंशन है, तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है मतलब डिजीज तो हो रखी है, और डिजीज हो रखी है तो हम उसको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल लॉस ऑफ डैमेज ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी और एन एबरेशंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट अकर्स कॉन्सिक्वेंट टू ए डिजीज इज नाउन एज, किसी डिजीज की वजह से या किसी डिजीज की वजह से बॉडी के किसी पार्ट का लॉस या डैमेज होना, या फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कुछ गड़बड़ होना, उसको हम किसे क्या कहते हैं, तो उसको ऑप्शन में एक ऑप्शन है डिजीज, ऑप्शन बी इम्पेयरमेंट, ऑप्शन सी डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी हैंडीकैप, तो हम उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इज करेक्ट आंसर। इम्पेयरमेंट मीन्स एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट और एनाटॉमी और एन एब्रेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर्स कॉन्सिक्वेंट टू ए डिजीज इज नाउन एज इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड MLHP वुड ब्रॉडली बी एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ऑप्शन सी प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। MLHP सब कार्य करेंगे, प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर भी देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करेंगे, मैनेजमेंट का भी काम करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, और इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन? MLHP, मल्टी लेवल हेल्थ प्रैक्टिशनर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास